महादेव तो देवों के देव हैं, जब वह प्रसन्न होते हैं तो ऑर्डरदानी होते हैं, और जब वह क्रोधित होते हैं तो वह विनाशकारी हो जाते हैं। जब भगवान के तीसरे नेत्र खुलते हैं तो वह किसी न किसी प्रकार का एक बहुत ही प्रलयकारी रूप धारण कर लेता है। जब भगवान रुद्र के तीसरे नेत्र प्रकट हुए और उससे निकलकर अग्नि ने कामदेव को शीघ्र ही जलाकर भस्म कर दिया, तब वह अग्नि बिना किसी प्रयोजन के प्रज्वलित होकर के चारों ओर फैलने लगी और यह संपूर्ण जगत को प्रभावित करने लगा, जिससे चारों ओर हाहाकार मच गया। इसके बाद संपूर्ण देवता और ऋषि तुरंत ही ब्रह्मा जी के शरण में आए। उन सब ने अत्यंत व्याकुल होकर के मस्तक झुका दिया और दोनों हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति करने लगे। यह सब देख करके ब्रह्मा जी ने तुरंत ही भगवान शिव का स्मरण किया और सभी वस्तु परिस्थिति को भली भांति जान लिया और तीनों लोकों की रक्षा के लिए विनती भाव से वह उस स्थिति में उस जगह पर पहुँचे। वहाँ पर वह अग्नि ज्वाला मालाओं से अत्यंत उद्दीप्त हो जगत को जला देने के लिए उद्यत थी, परंतु ब्रह्मा जी ने उस उत्तम तेज को तुरंत ही स्तंभित कर दिया। जिस तेज का उपयोग महादेव ने कामदेव को जलाकर भस्म करने के लिए किया था, वह तेज कोई साधारण तेज नहीं था। उस तेज का उद्देश्य था संपूर्ण जगत को दग्ध करना, लेकिन त्रिलोकी को दग्ध करने की इच्छा रखने वाली उस क्रोध में अग्नि को तुरंत ही ब्रह्मा जी ने एक घोड़े के रूप में परिणित कर दिया, जिसके मुख से सौम्य ज्वाला प्रकट हो रही थी। महादेव की इच्छा से ब्रह्मदेव उस घोड़े को लेकर के समुद्र तट पर पहुँचे और ब्रह्मदेव को आया देख समुद्र ने एक दिव्य पुरुष का रूप धारण करके हाथ जोड़ करके ब्रह्मदेव को प्रणाम किया और उनके यहाँ आने का कारण भी पूछा। सागर की बात सुनकर भगवान शंकर का स्मरण करते हुए ब्रह्म जी ने प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार से कहा कि हे समुद्र, तुम बड़े बुद्धिमान हो और संपूर्ण लोकों के हितकारी हो। मैं शिव की इच्छा से प्रेरित हो हार्दिक प्रीतिपूर्वक तुमसे यह कह रहा हूँ कि यह भगवान महेश्वर का क्रोध है, जो महान शक्तिशाली अश्व के रूप में यहाँ उपस्थित है। यह कामदेव को दग्ध करके तुरंत ही संपूर्ण जगत को भस्म करने के लिए उद्यत हो रहा था। यह देख पीड़ित हुए देवताओं की प्रार्थना से मैं महादेव की इच्छावश वहां गया और इस अग्नि को स्तंभित कर दिया। फिर उस अग्नि ने एक घोड़े का रूप धारण किया, उसी घोड़े को लेकर के मैं यहां आया हूं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने समुद्र देव को कहा और ब्रह्मा जी ने सागर को इस प्रकार से आज्ञा दी कि इस महेश्वर के क्रोध को, जो घोड़े का रूप धारण कर चुका है, उसके मुख से हमेशा ही ज्वाला प्रकट हुआ करती है। तुम प्रलय काल तक ही इस घोड़े को धारण किए रहना। और उसके बाद ब्रह्मा जी इस प्रकार से कहने लगे कि और जब मैं यहाँ आकर के वास करूँगा, तब तुम भगवान शंकर के इस अद्भुत क्रोध को छोड़ देना। तुम्हारा जल ही इसे प्रतिदिन इसका भोजन बनेगा। तुम यत्न पूर्वक इसे ऊपर ही धारण किए रहना, जिससे यह तुम्हारी अनंत जल राशि के भीतर न चला जाए। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी के बात पर समुद्र देव ने रुद्र की क्रोध अग्नि रूप घोड़े को धारण स्वीकार किया, जो दूसरों के लिए असंभव थी। इस प्रकार का संपूर्ण विवरण संक्षिप्त शिव पुराण के रुद्र संहिता में दिया हुआ है।